हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होती है? द इम्पैक्ट ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स जो इम्पैक्ट कॉज करती है उसे हम कहते हैं इम्पल्स। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आपकी तरफ आई और आपने बैट से मारी, तो जब उस छोटे से टाइम में जब बैट और बॉल टच हुए तो बैट ने बॉल पे कुछ इम्पैक्ट किया, तभी बॉल दूसरी डायरेक्शन में गई, तो वो है इम्पल्स। अब जब किसी चीज में इम्पैक्ट होगा तो वो इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी बड़ी फोर्स लग रही है, सेकेंड ऑफ ऑल फोर्स कितनी देर की है। जितनी बड़ी फोर्स होगी उतना बड़ा इम्पैक्ट होगा और जितने ज्यादा टाइम के लिए लगेगी उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये जो इम्पैक्ट है जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं, जिसे जे से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो अभी ये क्या है, मतलब इम्पल्स क्या होती है? फोर्स इनटू टाइम। तो इससे इसके एसआई यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं, न्यूटन सेकेंड्स। अब देखो फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी बाय टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इनटू डेल्टा टी, क्या बचा? डेल्टा पी। तो चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज आल्सो चेंज इन मोमेंटम, जिससे इसकी यूनिट आती है केजी मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा पी मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, मतलब मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल वी माइनस यू। तो ऐसे इंपल्स के क्या फॉर्मूलेज हैं? g इज इक्वल टू f डेल्टा t, j इज इक्वल टू f डेल्टा t इक्वल्स डेल्टा p इक्वल्स टू m टाइम्स v माइनस u m डेल्टा v, राइट? तो इंपल्स क्या होती है? एक फोर्स जो इंपैक्ट कॉज करती है, दैट इज इंपल्स। या फिर द चेंज ऑफ मोमेंटम व्हेन अ फोर्स कॉजेस एन इंपैक्ट, वो होती है इंपल्स, राइट? या फिर फोर्स इन टू टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो इसमें अब तो यहाँ पे क्या है, ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। इसमें अब हम देखेंगे, देखिए जैसे अब आपको कहते हैं, जैसे जब कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? इसका भी इम्पल्स से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। देखिए जब आपने सीट बेल्ट लगाई, अब मान लो क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, अब सारे पैसेंजर्स का उतना ही मोमेंटम है, राइट? लेकिन सारे पैसेंजर्स को उतनी इंपल्स है, लेकिन जिसने सीट बेल्ट पहनी, देखिए जब आप उतरे कार के जैसे आगे जाते हो ऐसे, लेकिन जैसे सीट बेल्ट पहनी वैसे धीरे से आगे जाए, क्योंकि सीट बेल्ट उसे बांध के रखेगी सीट से, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। एफ इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा दिया तो फोर्स कम लगेगी, मतलब कम इंजरी सस्टेन होगी। तो सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने से क्रैश होता है तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है। जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ेगा तो जो फोर्स लगेगी वो कम होगी और जो इंजरी होगी, चोट लगी, वो भी कम लगेगी। तो अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इम्पल्स को बताते हैं जे इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, तो ये इम्पल्स आपको पता चाहिए वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में इम्पल्स एक्ट करेगी। सिमिलरली जब हम किसी हाइट से गिर रहे होते हैं तो आप नोटिस करोगे अपनी नीज हम ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में कर्ल कर लेते हैं, अपनी बॉडी को छोटा सा एक बॉल में कर्ल कर लेते हैं एक तरीके से। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा टाइम ऑफ फॉल बढ़ जाता है। वंस अगेन जब टाइम ऑफ फॉल बढ़ेगी तो जो फोर्स लग रही है वो कम होगी और जब गिरेंगे तो फिर चोट कम लगेगी। तो अब जैसे अब हम अगर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मान लो एक कार है 1500 केजी, राइट? या फिर चलो जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, अ कार ऑफ मास 600 केजी, तो मास हमें दे दिया 600 केजी इज मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड, तो हमें स्पीड बता दी है 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमसे पूछा था ड्राइवर एक्सेलरेट्स जेंटली, सो दैट अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स ऑन द कार फॉर
पहुंचे तो क्या होती है इंपल्स? फोर्स इनटू टाइम, मतलब 30 न्यूटन इनटू 10 सेकेंड्स, 300 न्यूटन सेकेंड्स। फिर अब हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द कार आफ्टर द एक्सेलरेटेड फोर्सेस एक्टिंग ऑन। तो हमें पता है जे क्या होता है, डेल्टा पी, दैट इज मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो 300 न्यूटन सेकेंड्स हुआ, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, ये हमें फाइनल चाहिए, इनिशियल हम कैसे निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी 600 इनटू 15। सो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, 300 प्लस 9000, 9300 केजी मीटर पर सेकेंड। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना, मोमेंटम की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, इंपल्स की क्या है, न्यूटन सेकेंड। आपने नोटिस किया होगा दोनों सेम यूनिट है, तो आपको इसका ध्यान रखना है मोमेंटम की और इंपल्स की सेम यूनिट्स है, और वो कौन सी है, केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड, राइट। सो आई होप द कांसेप्ट ऑफ इंपल्स इज क्लियर। अगर आप चाहें तो आप इसकी फोटो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।